हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल मोतीचूर के लड्डू बनाने का एकदम परफेक्ट और इजी तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे, इनको कम से कम 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 300 ग्राम यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, बेसन बारीक वाले बेसन का यूज़ करना है आपने यहाँ पे। और ये देखिए, बेसन को मैंने बड़े से बॉल में डाल दिया है, कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, पानी कितना डालना है, अगर आपने 300 ग्राम बेसन लिया होगा 600 ग्राम आप इसमें पानी ऐड कीजिए। पर जब भी आप घोल बनाएंगे तो आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक बार में ही पूरा पानी डालना है, नहीं तो ना बेसन के लम्स बन जाते हैं। ये देखिए, पहले मैंने आधा पानी ऐड कर दिया था, अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और फिर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब हलवाई लोग इसमें थोड़ा सा मैदे का यूज़ भी कर लेते हैं, बट घर में अगर आप बना रहे हैं तो प्योर बेसन से ही आपने लड्डू बना के तैयार करने हैं। कि देखिए, बेसन को अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे बिस्किट की सहायता से फेंट लिया है। जितना अच्छे से आप इस घोल को फेंटेंगे उतने ही बढ़िया आपके लड्डू बनेंगे। जो बचा हुआ पानी था, सारे का सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आपने पहला स्टेप यही फॉलो करना है, 1 किलोग्राम आपने बेसन लिया होगा, 2 लीटर आप इसमें पानी ऐड कीजिए। और ये देखिए, घोल की कंसिस्टेंसी आपको दिखा देता हूँ, वो कैसे चेक करनी है। इस तरह से देखिए, हाथ से इसको डिप कीजिए और इस तरह से देख सकते हैं बेसन ऊपर से आराम से गिरना चाहिए। पहला काम हो गया, अब दूसरा काम चाशनी का होता है। अगर आप 300 ग्राम बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो 600 ग्राम आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, और अगर आप चीनी कम खाते हैं तो यहाँ पे आप 400 और 500 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। तो चीनी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, पानी कितना डालना है, 900 ml आप इसमें पानी ऐड कीजिए। मतलब 1 कप अगर आपने चीनी ली होगी, 1.5 कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। और गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है, चीनी को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो आपने यहाँ पे पलटा चलाना छोड़ देना है। अब कई बार चीनी में थोड़ी सी डस्ट वगैरह होती है, रेशे वगैरह होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ना दूध ऐड कीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। दूध के साथ आप ना चीनी को कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। देखिए, जैसे चीनी 3 से 4 मिनट तक पक जाएगी, सारे की सारी चीनी में जो डस्ट वगैरह होती है ना, वो ऊपर आ जाती है, दूध के साथ वो मिक्स होकर साइड में हो जाती है। और इस तरह से आपने जो झाग है इसको निकाल लेना है, इससे आपकी चाशनी एकदम क्लियर बनेगी। और इसके बाद आप इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कीजिए, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीला फूड कलर डाल रहा हूँ। येलो कलर में हम लड्डू बना रहे हैं, आप रेड में बना रहे हो रेड फूड कलर डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है, 5 मिनट तक आप चाशनी को पकने दीजिए। अब आपको देखिए ऐसा झारा चाहिए होगा, ये मार्केट में 250 से 300 रुपये का मिल जाता है। आप इसको एक बार मंगवा लीजिए, परमानेंट घर में रख सकते हैं, कभी भी लड्डू बनाने हो इससे बहुत ही जल्दी लड्डू बन जाते हैं। और अगर आपके झारा ना हो, ऐसा कोई भी आप प्लास्टिक का ना बॉक्स ले लीजिए, पैकिंग बॉक्स, आपने एक कील लेनी है, उसको आगे से गर्म करना है और इसको आप टेबल के ऊपर रखिए, इसके साथ आप पतले पतले होल कर लीजिए, हाथ में पकड़ के होल नहीं करने हैं, टेबल के ऊपर रख के होल कीजिए। देखिए इस तरह से, तो इससे भी आप ना लड्डू बना सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में बनाने हो तो इससे बना लीजिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हो झारे का यूज़ कीजिए। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, और एक आपने स्टील का डब्बा लेना है, उसके ऊपर ना कोई भी मोटा सा टावल रख लीजिए। अब देखिए इस तरह से आपने झारा लेना है, और इसके बीच में आपने जो बेसन का घोल बना के रखा होगा वो डाल देना है, और जो डिब्बा रखा होगा आपने ना, इसके ऊपर आपने इस तरह से झारे को उछालना है, जोर जोर से मारना है। इससे क्या होगा, आपकी जो बूंदी है एकदम बारीक निकलेगी और लड्डू भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बार में कितनी सारी बारीक वाली बूंदी निकाल ली है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है, और बूंदी को ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच भी आ जाए। गैस की फ्लेम तेज नहीं रखनी है, तेज फ्लेम में पकाएंगे तो क्या होगा, बूंदी ना जल जाती है, क्योंकि बारीक वाली बूंदी है, बहुत ही जल्दी जल जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारी बूंदी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। इसके बाद आपने बूंदी को निकाल लेना है, और जैसे मैंने आपको प्लास्टिक वाले डिब्बे का ट्रिक बताया ना, उससे भी थोड़ी थोड़ी बूंदी निकाल सकते हैं, और ऑयल आपने अच्छी तरह से बूंदी का यहाँ पे निकलने देना है। अब इसके बाद आप बूंदी को ना एक पेपर के ऊपर रख दीजिए, ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो पेपर सोक कर ले। तो देख सकते हैं 300 ग्राम बेसन में हमारी कितनी सारी बारीक वाली बूंदी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इतनी बूंदी में आपके 2 किलो लड्डू आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। और देख सकते हैं चाशनी को जब मैंने पकाना शुरू किया था, टोटल 10 मिनट तक पकाया है, और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे पहले 5 मिनट मीडियम रखी थी, उसके बाद लो फ्लेम में 5 मिनट पकाया है। अब इसमें तार वगैरह नहीं आपने बनानी है, कि देखिए चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, और इसके बाद आपने इसमें बूंदी ऐड कर देनी है। तो परफेक्ट मेजरमेंट से आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, एकदम परफेक्ट बनती है। अगर आप मेज़रमेंट ऊपर नीचे कर देते हैं, आपकी जो डिश है वो अच्छी नहीं बनती है।
तो पूरी बूंदी देखिए मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है। हाई फ्लेम में आपने बूंदी को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो कितना टाइम लगेगा, लगभग 3 से 4 मिनट आपको इसको ड्राई करने में लग जाएंगे। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ना मगज ली है, मेलन सीड का यूज़ कर रहा हूँ, वो भी साथ में आपने ऐड कर देने हैं। मोतीचूर के लड्डू में ना मेलन सीड से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने यहाँ पे बूंदी को चाशनी से पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसको ना एक बॉल में निकाल लेना है या ट्रे में निकाल लीजिए, खुले से बर्तन में निकालना है ताकि जल्दी से ठंडी भी हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने बूंदी को ना बॉल में निकाल लिया है। अब कुछ जगह तो मोतीचूर के लड्डू प्योर देसी घी में फ्राई करके बनाए जाते हैं, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो इसमें घी का टेस्ट लाने के लिए 2 छोटे चम्मच आप इसमें ना देसी घी ऐड कर दीजिए और देसी घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इतना सा घी डालने से ना अच्छा घी का टेस्ट आ जाएगा इनमें। और ये देखिए इसको इस तरह से आपने बिखेर के रखना है। अब यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था और हमारा जो मिक्सर है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और अच्छा खिला खिला भी हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसके लड्डू बनाने हैं, तो लड्डू आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से देखिए मिक्सर लीजिए, इसको राउंड कर लीजिए, तो इसी तरह से सारे के सारे लड्डू बना लेने, इनको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।